नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे में टिकट कैंसिलेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। आगे हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे जो है टिकट को जो है हम कैंसिल कराएं, उसमें क्या जो है नया तरीका हमारे सामने आया है। भारत में यात्रा करने का अगर विचार आता है तो सबसे ज़्यादा लोग जो है रेलवे की तरफ भागते हैं। वे सबसे पहले यही सर्च करते हैं कि किस ट्रेन में टिकट है या नहीं है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने रेलवे से टिकट कटवा लिया है तो, लेकिन आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके टिकट कैंसिल करने के बदले में पैसा कितना काटा जाएगा। ऐसे में रेलवे ने यात्रा के नियमों में होने वाले बदलाव को लेकर एक अपडेट जारी किया है। ऐसे में रेलवे ने एक बार फिर से एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कई नई जानकारियों को साझा किया है। रेलवे की तरफ से जारी नए अपडेट के अनुसार, अगर आपने यात्रा के लिए टिकट लिया है लेकिन आप यात्रा से पहले टिकट को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको रेलवे का यह नियम जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि इस नियम के जान लेने के बाद से आपके पैसे ज़रूर बच जाएंगे। क्योंकि जब आप टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो आपके कैंसिलेशन चार्ज के रूप में कुछ पैसे काटे जाते हैं। तो चलिए हम आपको नए नियमों के बारे में बताते हैं और जानते हैं कि क्या है वो सब कुछ। अगर कोई ट्रेन बाढ़ की स्थिति के कारण रद्द कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए रेलवे ने एक शर्त लगा रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यात्रा के 3 दिन के अंदर आप अपनी टिकट को जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। साथ ही साथ रेलवे ने यह भी बताया है कि 12 घंटे पहले अगर आप कंफर्म टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो 25% चार्ज जो है वो काटा जाएगा। इसके बाद अगर आप ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के बाद 12 से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आप 50% तक की राशि जो है वो काटी जा सकती है। इसके साथ साथ रेलवे की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार, अगर आप ट्रेन स्टेशन के छूटने के 48 घंटे पहले तक कैंसिल करवा सकते हैं। इस दौरान आपको एसी फर्स्ट क्लास के लिए 240 रुपये तथा एसी टू टीयर के लिए 200 रुपये तथा स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये, टू सीटर के लिए 60 रुपये तथा एसी थ्री टीयर और एसी चेयर कार के लिए 180 रुपये जो है कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटा जाएगा। वहीं अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है, यानी कि वेटिंग में है, या फिर आरएसी है, तो आप ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में टिकट कैंसिल होते समय आपके 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटा जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास तत्काल का टिकट है और आप उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में रेलवे का जो नियम है उसके अनुसार आपको 1 भी रुपया रिफंड के रूप में नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो ऐसे में रेलवे अपने पुराने नियमों को एक बार फिर से लागू कर रहा है। कोरोना काल के दौरान रेलवे ने कई नियमों में बदलाव किया था, लेकिन अब उसमें कई तरह की छूट दी गई है। खासकर एसी और जनरल कोच में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें अब रेलवे ने जो है सहूलियत दी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रेलवे आने वाले दिनों में भी लोगों को इसी तरह की सहूलियत देता रहेगा। आपको बता दें कि एसी में जहाँ पे उन्हें टॉवेल नहीं मिल रहे थे, ऐसे में जो है साथ ही साथ जनरल क्लास की अगर हम बात कर लें तो उसमें जो है सीटों का निर्धारण कर दिया गया था। उसमें कहा गया था कि उतने ही लोग जा सकते हैं जितने लोगों का सीट उसमें बुक होगा, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इन दोनों ही नियमों में जो है छूट दी गई है रेलवे की तरफ से। ऐसे में जो है उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में रेलवे में यात्रा करना और भी सुगम हो सकता है। तो आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि रेलवे द्वारा दी गई इस नई छूट से रेल यात्रियों को कितना फ़ायदा होगा, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।